अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ खैरियत होंगे। तो किंग और समर वाला ट्यूटोरियल जो है वो आ चुका है। तो सबसे पहले हम लोगों ने अलाइट मोशन जो है वो ओपन कर लेना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ प्लस का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ से आप लोगों ने साइज सेलेक्ट कर लेना है, जौन सा भी साइज आप लोगों को लेना है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। आप यहाँ पे आपने प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ बराबर में मीडिया का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ से आपको अपनी वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है। वीडियो सेलेक्ट हमारी जो है वो हो चुकी है। इसके बाद आप लोगों ने प्लस के आइकॉन पे दोबारा क्लिक करना है, अगेन एक रेक्टेंगल ले लेना है सबसे नीचे वाला। उसके बाद थ्री डॉट पे क्लिक करना है ऊपर, यहाँ पे फिल कंपोजिशन एरिया पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने यहाँ पे ब्लेंडिंग ओपेसिटी का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ नीचे स्क्रॉल करके डिफरेंस का ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे सबट्रैक्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद बैक आ जाना है, फिर नीचे आपको इफेक्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे एड इफेक्ट में आना है। फिर यहाँ से आपको लेना है कॉपी बैकग्राउंड। कॉपी बैकग्राउंड लेने के बाद अगेन एड इफेक्ट में जाना है। इसके बाद आपने लेना है एक्सपोजर गामा, फिर अगेन एड इफेक्ट में जाना है। उसके बाद आप लोगों ने ले लेना है गशियन ब्लर। उसके बाद आपने एक्सपोजर गामा की सेटिंग करनी है माइनस में, ये यहाँ से 90 रखनी है। इसके बाद गामा को हम थोड़ा सा कम करेंगे, नीचे थोड़ा सा कम करेंगे, ज़्यादा नहीं, ये 90। इसके बाद गशियन ब्लर की सेटिंग हमने रखनी है 200। इसके बाद आपने अगेन प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करना है, एक रेक्टेंगल ले लेना है। इसके बाद फिल कंपोजिशन एरिया पे क्लिक करना है, यहाँ से आपको कलर फिल का ऑप्शन दिख रहा होगा नीचे। इसके बाद यहाँ से आपको वाइट कर लेना है इसको, फिर बैक आ जाना है, वहाँ से दोबारा ब्लेंडिंग ओपेसिटी में आना है। यहाँ से आपको कंट्रास्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, कंट्रास्ट पे क्लिक करने के बाद ओवरले कर देना है, दोबारा बैक आ जाना है। इसके बाद ये हमारा HDR इफेक्ट जो है वो रेडी हो चुका है, लेकिन अभी CC बाकी है। आपने दोबारा प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करना है, एक और रेक्टेंगल ले लेना है, वही सेटिंग करनी है, थ्री डॉट में फिल कंपोजिशन एरिया। इसके बाद इफेक्ट में जाना है, एड इफेक्ट, इसके बाद कॉपी बैकग्राउंड, फिर आपने एड इफेक्ट में जाना है दोबारा, यहाँ से आपको ले लेना है ग्रेंडेड ओवरले। ग्रेंडेड ओवरले के बाद आपने यहाँ इसकी सेटिंग रखनी है, पहले वाले को वाइट रखना है और नीचे वाले कलर टून को रखना है ब्लैक। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको नॉर्मल का ऑप्शन दिख रहा होगा, तीन ऑप्शन दिख रहे होंगे, नॉर्मल, मल्टीप्लाई और स्क्रीन। आप लोगों ने यहाँ पे स्क्रीन कर देना है। इसके बाद आपने बैक आ जाना दोबारा, एक और रेक्टेंगल ले लेना है। जो चीज़ समझ में नहीं आ रही आप लोगों को कमेंट में बता दीजिएगा। यहाँ पे एक और रेक्टेंगल ले लेना है, थ्री डॉट कंपोजिशन एरिया, फिर दोबारा इसको वाइट कर लेना है। बैक आने के बाद ब्लेंडिंग ओपेसिटी, इसके बाद कंट्रास्ट, फिर ओवरले। ये हमारा CC जो है वो रेडी हो चुका है, लेकिन इसमें भी एक चीज़ वो बाकी है, वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। आप लोगों को जो चीज़ समझ नहीं आ रही जल्दी से कमेंट कर दें, और अगला ट्यूटोरियल कौन सा चाहिए वो भी मुझे बता दें, ताकि मैं टाइम निकाल के आप लोगों को सिखा दूँ। अच्छा, मेरा जो टिकटॉक पे एडिटिंग क्लासेस का ग्रुप बना हुआ है, उसमें जो लोग हैं कह रहे थे लाइट मोशन चलाना नहीं आता, वो भी मैंने इसमें समझा दिया है स्टेप बाय स्टेप। टाइम मिलता है तो मैं अपनी वॉइस लगाता हूँ इसके अंदर, क्योंकि कल छुट्टी है, इसलिए सब आप लोगों को वॉइस से समझा रहा हूँ, वरना तो मेरे को सॉन्ग लगाना पड़ता है।
उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से वीडियोस को जो है फुल कर देना है, पूरी वीडियो पे ऐड कर देना है इफेक्ट, एच डी आर इफेक्ट्स को, सीसी को। ये जो मैंने सेटिंग आप लोगों को बताई है ये पूरे टिकटॉक पर शायद ही कोई दे, इतना अच्छी तरीके से समझाना स्टेप बाय स्टेप। अगर फिर भी आप लोगों को जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आप लोगों को गाइड सर्व कर दूँगा। अच्छा, इसमें शेक का ट्यूटोरियल भी बहुत सारे हैं समर किंग के, जो जो जानते हैं इन दोनों को, वैसे तो ये ट्रेंडिंग में ही है भाई, इन्हीं को देख के लोगों को क्वालिटी बनाने का शौक चढ़ा है। तो जो चीज़ आप लोगों को समझ नहीं आ रही है आप लोग कमेंट कर दें जल्दी से, और ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो एक लाइक भी मार दें प्यारा सा, और जल्दी से बन के सब्सक्राइबर करवा दें। और ऐसे मज़ेदार ट्यूटोरियल के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोबारा आप लोगों ने एक रेक्टेंगल ले लेना है गोल वाला, इसमें फ्लिकर इफेक्ट ऐड करना है, इसको थोड़ा सा इसको बड़ा करें। उसके बाद मैंने जो इफेक्ट बना के रखा हुआ है वो मैं इसमें ऐड करूँगा। कॉपी करने के बाद ये थ्री डॉट पे नीचे से कॉपी हो चुका है, उसके बाद बैक आना दोबारा, उसके बाद ट्रायंगल पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको पेस्ट कर देना है। अब देख सकते हैं आप वीडियो का रिज़ल्ट कितना अच्छा हो चुका है, वीडियो की क्वालिटी स्मूथ हो चुकी है बिल्कुल। अच्छा, इसमें सारा काम लाइट मोशन का नहीं है, इसमें विंग का भी काम है, विंग से भी क्वालिटी जो है वो बेटर हुई है इसमें, जो कि मैंने की है अभी। सिर्फ ट्यूटोरियल सीसी का था तो मैंने आप लोगों को सीसी का ही दिया है। ऊपर सेटिंग के बराबर में आपको ऑप्शन दिख रहा होगा वीडियो वहाँ से सेव होती है, वहाँ पे क्लिक कर लेना है। और जो लोग बोल रहे थे ना कि एग्जामल चाहिए, जो टिकटॉक पर जो ग्रुप बना हुआ है कि एग्जामल दे दो शेख का सीसी का, इसमें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एग्जामल का ऑप्शन है ही नहीं। यहाँ पे प्रोजेक्ट पैकेज है, करंट फ्रेम है, GF है और GIF और इमेज सिक्वेंस है, यहाँ पे एग्जामल फाइल का ऑप्शन है ही नहीं मेरे पास, अलर्ट मिशन है ही दूसरा। तो आप लोग मुझे आप लोग को लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप लोगों के सामने सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। मेरे पास वाला अलाइट मोशन नहीं है एग्जामिन फाइव वाला, मेरे पास दूसरा है। तो यहाँ से आप लोग अपनी वीडियो क्वालिटी के हिसाब से सेव कर सकते हैं, यहाँ से आप लोग वीडियो सेव कर लेनी है।